हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक दत्ता अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुंभलगढ़ फोर्ट आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना ही होगा कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी दीवार है, लेकिन आज मैं आपको वर्ल्ड की सेकेंड सबसे लार्जेस्ट वॉल जहाँ पे है वो है कुंभलगढ़, जो भारत में ही है, वहीं पर लेके आया हूँ, जिसके बारे में मे बी आप जानते भी हों। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, कुंभलगढ़ राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, जो उदयपुर से 85 किलोमीटर और माउंट आबू से 175 किलोमीटर पे है। ये फोर्ट मेवाड़ के फेमस फोर्ट में से एक है, जो अरावली माउंटेन में स्थित है। कहते हैं इस जगह से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। उस जमाने में जब ये फोर्ट बनना स्टार्ट हुआ था, तो हमेशा कुछ न कुछ अड़चने आती रहती थी और काम रुक जाता था, मतलब कि आगे नहीं बढ़ पाता था। तब एक संत ने महाराणा कुंभा को बताया कि यहाँ किसी इंसान की बलि देनी होगी, वो भी उसकी इच्छा से, तभी इस फोर्ट का काम आगे बढ़ेगा। फिर जब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, तो वो साधु खुद अपना बलि देने के लिए तैयार हो गया, इस शर्त पे कि जहां पे उसकी बलि दी जाएगी वहीं से इस फोर्ट की दीवार शुरू हो। इस फोर्ट के अंदर उनकी समाधि भी है और मंदिर भी। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जब इस फोर्ट का निर्माण चल रहा था, तो महाराणा कुंभा रात में मजदूरों का काम न रुके इसके लिए 50 किलो घी और 100 किलो रुई का इस्तेमाल मसाल जलाने के लिए करते थे। चांद पोल के अंदर आ गए हैं और ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये तोपखाना है। आपको जूम करके मैं दिखाता हूं। इस फोर्ट को बनाने में 15 साल लगे थे, और अगर राजस्थान के बाकी फोर्ट से इस फोर्ट का कंपैरिजन करें, तो ये सबसे ऊंचाई पे स्थित है। इसे महाराणा कुंभा ने 15 सेंचुरी में बनवाया था। इस फोर्ट की लंबाई 36 किलोमीटर और चौड़ाई 15 फीट है, जो समुद्र तल से तकरीबन 1100 मीटर की ऊंचाई पे है। दोस्तों, ये जो सामने आप सीढ़ी देख रहे हैं, इसी से होते हुए जहाँ पे महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, जिस कमरे में, उसको हम देख सकते हैं। तो चलिए ऊपर चल के देखते हैं, अगर खुला हुआ होगा तो हम जाएंगे, नहीं तो वहाँ से टॉप का जो व्यू है वो हम देख के फिर नीचे आ जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो हम अंदर जाके नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ से हम टॉप का व्यू देख लेते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं। अब हम कुंभा महल के पास आ गए हैं, और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जनाना महल है, जो टूट चुका है। चलिए हम कुंभा महल के अंदर चल के देखते हैं, जिस रूम में महाराणा कुंभा रहते थे। दोस्तों, इस रूम में तीन साइड पे खिड़की है, जिससे पूरे किला को देखा जा सकता है। कहते हैं कि यहीं से महाराणा कुंभा पूरे जिले का निरीक्षण किया करते थे, और पूर्व दिशा में जो ये खिड़की है, यहां से उनके इष्ट देव भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर दिखता है, और यहीं से वो प्रतिदिन
सूर्य देव का दर्शन करते थे। महल के ऊपर चलकर देखते हैं और जब नीचे उतरेंगे तो आपको भी महादेव नीलकंठ का दर्शन करवाएंगे। इस फोर्ट के अंदर तकरीबन 360 से ज्यादा मंदिर है, जिसमें से 300 जैन मंदिर और बाकी जो मंदिर है वो हिंदू मंदिर है। लेकिन ये फोर्ट के से काफी दूर बने हुए हैं, जिस कारण ज्यादातर टूरिस्ट वहां नहीं जा पाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रोड, इसी रोड से हम लोग इस फोर्ट पे आए हैं। ये भी हम काफी ऊंचाई पे हैं, वहां से आपको हम ये व्यू दिखा रहे हैं। नीचे चलते हैं और वहां से फोर्ट का व्यू देखने की कोशिश करेंगे कैसा दिखता है, जहां नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। अभी हम फोर्ट से नीचे उतर रहे हैं। हम नीचे पहुंच गए हैं और यहां से हम आपको फोर्ट का व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं जूम करके। तो लीजिए अब हम मंदिर के पास आ गए हैं। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बाकी मंदिर से थोड़ा सा अलग है। कहते हैं इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो कसौटी स्टोन से बना हुआ है, जिसको आप यू गोल्ड को टेस्ट करने के लिए क्या आता है। तो ओवरऑल इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग दिस प्लेस। सो फ्रेंड्स, अगर आप उदयपुर या माउंट आबू घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कुंभलगढ़ जरूर जाना। तो दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।